नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज है स्पेशल संडे। जी हां, स्पेशल संडे इसलिए क्योंकि आज है आपका एक ऐसा एपिसोड जिसकी वेट रहती है आपको मंडे के दिन, यानी कि कमेंट एपिसोड। तो मंडे के दिन भी आपको दिखेगा ये एपिसोड, आप लोगों के कमेंट हम बताएंगे, मगर संडे को भी आज हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप इतने प्यार से इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि एक एपिसोड में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए स्पेशल संडे हम इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है अगले संडे भी सेलिब्रेट करें, मगर फिलहाल आज के संडे के लिए आपके कमेंट्स क्या हैं, क्या कहते हैं आप पूरे वीक में, चलिए बात करते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। शुरू करते हैं मंजू देवी जी के कमेंट से। तो मंजू जी कहती हैं, आई थिंक अहिल्या बाई विल चेंज खंडेराव, बट इट माइट टेक सम टाइम। गौतमा बाई शुड टॉक टू हिम विच शी डिड नॉट वेन ही वॉज यंग बॉय, सो सैड ऑन खंडेराव बिहेवियर टुवर्ड्स हिज फादर। आपने बिल्कुल सही कहा है मंजू जी, अहिल्या डेफिनेटली उसकी मदद करेगी क्योंकि खंडेराव अहिल्या की बात बहुत मानते हैं, सुनते हैं और उनसे अब उनका प्यार भी हो गया है, तो उनकी बात डेफिनेटली सुनेंगे। बाकी गौतमा ने जो गलती कर चुकी है पहले से ही, वो नहीं संभाल पाई अपने बच्चे को उस तरह से, मगर अब मुझे लगता है वो गलती नहीं करेगी क्योंकि जिस तरह खंडेराव और अहिल्या के बीच में रिश्ता है वैसा ही मल्हारराव और गौतमा के बीच में है। गौतमा के सामने ही मल्हारराव अपना दिल खोल देते हैं, रो पड़ते हैं, तो ये जो उनका बिहेवियर है, जो प्यार है खंडेराव के प्रति मल्हार का, वो गौतमा को पता है और अब वो भी खंडेराव की मदद जरूर करेगी इस सिचुएशन में, तो ऐसा लगता है मुझे। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या आती है सिचुएशन, मगर फिलहाल के लिए यही लगता है मंजू जी, और आपने भी ऐसा ही कुछ लिखा है, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है दोस्तों वी एस वर्मा का। वी एस वर्मा जी लिखते, अहिल्या की यही तो एक क्वालिटी है जो सब में नहीं होती, अहिल्या का व्यवहार नपा तुला है, वो कभी भी मात नहीं खा सकती, उसमें सहनशीलता है, शांत स्वभाव है, वो मिलनसार है, किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहती, चाहे खुद दुख दर्द सह लेगी। सूबेदार मल्हार राव, महारानी गौतमा इसी व्यवहार से अहिल्या पर फिदा है। वी एस वर्मा जी, अब तो खंडेराव भी अहिल्या पे फिदा हो चुका है, और बिल्कुल आपने एक एक शब्द में सही बात कही है कि जो अहिल्या है वो ऐसी ही है, सहनशील है, वाइज है, उसमें हौसला है, करेज है, सब कुछ है, इसलिए वो मल्हार राव की सबसे पहली पसंद बनी थी अपने बेटे के लिए, और उसके लिए उन्होंने बकायदा गौतमा से भी फाइट की थी कि अगर मेरी सुनवाई होगी तो यही होगी, बट बाद में गौतमा को भी ये बात का अंदाजा हुआ, फिर उनको यकीन हुआ, अब वो पूरी तरह से अहिल्या पे करती है, और इसीलिए ये वजह है सारी की सारी जो आपने लिखी है, क्योंकि यही क्वालिटीज हैं अहिल्या की। थैंक यू सो मच आपके प्यारे से कमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कमेंट पढ़ते हैं। अरुण कुछल का ये लिखते हैं, अंजू जी खंडेराव बिल्कुल भी नहीं जच रहा एज युवराज। अरुण जी, ये बात आप ही नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि खंडेराव जो यंग आए हैं वो जच नहीं रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी कि जब कोई ऐसा सिचुएशन होती है जब पहले एक करेक्टर में एक एक्टर अपनी धाक जमा चुका हो और फिर दूसरा कोई आता है, तो उसकी छवि जल्दी जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो ये भी करेंगे धीरे धीरे, हम देखते हैं, क्योंकि अभी इनिशियल डेज हैं, स्टार्टिंग डेज हैं, तो हो सकता है नापसंदगी हो रही है, मगर मुझे उम्मीद है कि कर लेंगे, क्योंकि साथ में जो करेक्टर्स हैं जैसे अहिल्या है, गौतमा है, मल्हार राव है, ये जरूर बूस्ट अप करेंगे और धीरे धीरे ये भी अपने इस करेक्टर में ढल जाएंगे। तो बाकी आप व्यूअर्स हैं, आपकी अपनी एक राय होती है और मेरा फर्ज है आपकी राय को सब तक पहुंचाना। थैंक यू सो मच अरुण जी। अगला कमेंट है मानवी ढिमरी का, ये लिखती है, प्रॉब्लम खंडेराव को इसलिए हो रही थी बिकॉज वो बचपन से ही बहुत पैम्पर्ड था, चार माँ के बीच में पला इकलौता बेटा अपनी माँ से कभी दूर ना गया हो, जो वो जो चाहता था उसे मिल जाता था, पर गुरुकुल में तो बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट होता है, सारे बच्चे इक्वल होते हैं। सही शब्द यूज किया, पैम्पर्ड चाइल्ड। जी हाँ, पैम्पर्ड चाइल्ड ही है खंडेराव, और यहाँ तो एक माँ नहीं चार चार माँ है उनकी, और जो गौतमा है वो तो बहुत बे इंतहा प्यार करती है और अपने बेटे को हमेशा उन्होंने बहुत ही प्यार से रखा है, उसके हर डिमांड को पूरी किया है, और उसी तरह
दूसरी जगह पे जो मल्हार राव होलकर उनके पिता हैं, उन्होंने हमेशा स्ट्रिक्ट बिहेव किया है क्योंकि उनको पता है कि कल को खंडेराव को बनना क्या है। तो ये चीज है, इसलिए गौतमा से उनका बहुत प्यार है और मल्हार राव होलकर से उनके मन में गुस्सा है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं 101% सहमत हूँ, क्योंकि ये एनवायरनमेंट जो खंडेराव को मिला है उसकी वजह से वो ऐसे हो गए हैं। अब एकदम से जब चेंज हो गया एनवायरनमेंट, गुरुकुल में चले गए जहाँ पे सारे बच्चे इक्वल हैं, तो वो तकलीफ तो होगी ही, और वही तकलीफ का गुस्सा जो है उनको मल्हार राव होलकर पे है। थैंक यू सो मच मानवी जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है बीके वोहरा का, ये लिखते हैं, सीरियल का असली रूप हमारी सभ्यता और संस्कृति की मांग है। 30-40 के बच्चों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक कहानी के अलावा कुछ नहीं। उन्हें कभी भी अपने इतिहास के बारे में बताया ही नहीं गया, जो बताया भी तोड़ मरोड़ कर अपनी पहचान करता रिश्ता जो सदियों से परंपरा को संजोए हुए है। आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या की, जो संस्कृति लुप्त हो रही है उसे जागृत करने की हिम्मत व देश हित में आपका योगदान सराहनीय है। धन्यवाद आदरणीय। थैंक यू सो मच वोरा साहब, आपने हमारी तारीफ की है, हमारे योगदान को सराहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी एक एक बात सही है कि बच्चों को जब जो इतिहास अब बताया जा रहा है वो तोड़ मरोड़ के भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हाफ नॉलेज हो जाती है और हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। बाकी हम सब मिलके जब अपना अपना काम करेंगे तो सही जो है चीजें अपनी डायरेक्शन में जाएंगी, ये मैं जरूर कहूंगी आपको। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों अजय होलकर का, ये लिखते हैं, अति सुंदर विश्लेषण, बहुत अच्छे, शुभकामनाएं बहन जी, धनगर अजय पाल सिंह होलकर। वाह वाह अजय जी, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट के लिए और हमारी दिल खोल के तारीफ करने के लिए। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा हौसला और भी बुलंद हो जाता है और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए सबके लिए बनाने को मन करता है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है दोस्तों शशि मित्तल मित्तल का, ये लिखती है, सही बात है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है, कहावत भी है कि लाख बुरा चाहो वैसा होता नहीं है। शशि जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा था और मैंने कहा था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो डेफिनेटली बुरा किसी का कितना मर्जी चाहो, जब तक भगवान की मर्जी उसमें शामिल नहीं होगी तब तक कुछ बुरा नहीं हो सकता है। और बुरा तभी होता है जब आपने बुरे काम किए हों, आपके कर्म ऐसे हों, मगर यहाँ पे जो बुरे लोग हैं उनके साथ ही बुरा हो रहा है, बार बार उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। तो आपने इस चीज को समझा है, थैंक यू सो मच शशि जी। तो आगे आपको मैं सुनाती हूँ एक ऑडियो जो यामी जी का है, और यामी जी आपका ऑडियो सबके सामने ये रहा। हेलो हंग्री स्पिरिट चैनल, अंजू जी कैसी हैं आप? मैं यामी कदम सूरत से बोल रही हूँ। आज तो सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि आज 25 सितंबर है, आज मेरा बर्थडे है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि आपने एक अपडेट दिया था कि अहिल्या कैसे करेगी खंडेराव का गुस्सा शांत, तो मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ कि जितना मैंने लीप के बाद का अहिल्या का जितना कैरेक्टर देखा है, उसने हर मुश्किल को पार किया है, हर मुश्किल को बड़ी आसानी से पार किया है। और कोई भी मुश्किल काम हो अहिल्या उसे बड़े बड़ी आसानी से कर जाती है। और जहाँ तक रही खंडेराव के गुस्से की बात, तो खंडेराव बहुत गुस्से में है सबसे पहले तो, क्योंकि 7 साल वो मालवा से अहिल्या से अपने परिवार से दूर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही गुस्से में है खंडेराव। लेकिन अहिल्या अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धिमत्ता से खंडेराव का गुस्सा शांत कर ही देगी, क्योंकि अहिल्या की हर बात खंडेराव अभी तक मानते हैं। और अहिल्या और खंडेराव की जो दोस्ती बचपन में दिखाई गई थी वो वैसी के वैसी कायम है, और उनका रिश्ता जो खंडेराव गुरुकुल जाने से पहले अहिल्या से वादा करके गए थे कि मैं आते हुए भी खुश होकर आऊँगा और किसी के दिल में कोई भी मलाल नहीं रखूँगा, तो खंडेराव ने बखूबी अपना वो वादा अभी तक कायम रखा है। और अहिल्या ने और खंडेराव ने एक दूसरे से जो वादे किए थे गुरुकुल जाने से पहले, तो वो दोनों अभी तक उस वादे पे कायम हैं।
और जहाँ तक रही खंडेराव मल्लाराव से नाराज़ है, उस बात वो बात तो मुझे लगता है कि ये नाराज़गी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक खंडेराव के साथ अहिल्या है तो अहिल्या कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि खंडेराव ज़्यादा देर तक अपने पिता से नाराज़ हो। और जहाँ तक रही द्वारकाबाई की बात, तो वो आज बहुत खुश है कि खंडेराव अभी तक उस बात को लेकर मल्लाराव से नाराज़ है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अहिल्या जो है वो खंडेराव की शक्ति है। वो पहले भी खंडेराव का साथ देती थी, भले ही द्वारकाबाई उनके बीच कितनी ही दूरियाँ लाए, कितनी ही साजिशें करे, थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीच द्वारकाबाई जो है वो शांत नहीं रहेगी, कोई ना कोई अड़चन है तो ज़रूर लाएंगी अहिल्या के रास्ते में। लेकिन अहिल्या ने आज तक हंसते हंसते हर मुश्किल का सामना किया है, तो इस बार भी अहिल्या इस परीक्षा को भी पार कर जाएगी और खंडेराव और मल्लाराव के बीच में फिर से सुलह करवा देगी, और पिता पुत्र का वो रिश्ता जो आज अधूरा है वो हमें एक दिन पूरा ज़रूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मुझे तो यही उम्मीद है कि अहिल्या जब तक है तब तक कोई भी काम बिगड़ नहीं सकता। धन्यवाद। मैं यामी कदम सूरत से। सबसे पहले तो यामी जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और संडे का एपिसोड हमारा एक तरह से आपके बर्थडे की सेलिब्रेशन के साथ कंप्लीट हो गया। अगर मंडे तक पहुंचते तो एक दिन और लेट हो जाते। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपनी खुशियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाकी अहिल्या के साथ आपका जो प्यार है, जो लगाव है, वो आपके एक एक शब्द से झलकता है। जैसे आपने अहिल्या के बारे में कहा है कि वो कर लेगी गुस्सा शांत खंडेराव का, तो बहुत अच्छे से आप इस सीरियल को समझ रही हैं और अपनी बातों को रख रही हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कमेंट्स और एक ऑडियो जो यामी जी का था। और आप लोग भी अगर ऑडियो भेजना चाहते हैं तो नंबर है 9833155523, और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो फिर से मिलेंगे, तब तक कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।